हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्ययनपीठ। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में अलजेब्रा का पार्ट वन बताया था, जिसमें बेसिक मैंने बताया था, और मैं अलजेब्रा का आज पार्ट टू लेकर आ रहा हूं, जिसमें मैं आपको अलजेब्रा का स्टैंडर्ड क्वेश्चंस और जो एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, प्रीवियस एग्जामिनेशंस में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उसी के पैटर्न पर आज का क्लास होगा। दोस्तों, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अलजेब्रा में कुछ पैटर्न बेसिस का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो फार्मूला बेस्ड होता है, पैटर्न बेसिस होता है, और वो फार्मूला क्या होगा उसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहले फार्मूला से हम लोग चलेंगे कि x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू, अगर a दिया है तो हम लोगों का इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या पूछता है। तो x स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना होता है, x के पावर 3 प्लस वन बाई एक्स के पावर 3 का वैल्यू निकालना रहता है, x के पावर 4 प्लस वन बाई एक्स के पावर 4 का वैल्यू निकालना होता है, और आगे x के पावर 5, x के पावर 6 और भी आगे आएगा, इसमें पावर से रिलेटेड बढ़ेगा पावर धीरे धीरे। हम लोग पहले देखेंगे ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, x प्लस वन बाई एक्स बराबर समथिंग नंबर दिया रहेगा, तो ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब का वैल्यू निकालना, एक्स के पावर 4 प्लस वन बाई एक्स के पावर 4 का वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले इसमें आते हैं हम लोग कि एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू जब ए दिया रहेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग ए स्क्वायर माइनस 2 जो भी नंबर दिया रहेगा उसका स्क्वायर कर उसमें से 2 माइनस कर देंगे, तो आपका इसका वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का निकल जाएगा। दूसरा है, इसमें दो नंबर पे अगर हम लोग चर्चा करेंगे, एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू अगर निकालना रहेगा तो ए क्यू माइनस 3a कर देंगे हम लोग, ए क्यू माइनस 3a कर देंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। जो भी नंबर दिया रहेगा उसका क्यूब करेंगे, माइनस 3 इंटू a कर देंगे जो नंबर रहेगा। और पावर 4 का अगर वैल्यू निकालना रहेगा तो इसका स्क्वायर माइनस 2, यानी ए स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। मतलब यह है कि अब इसके पैटर्न पे अगर कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू, या एक्स के पावर 4 प्लस वन बाई एक्स के पावर 4 निकालना रहेगा, तो कैसे निकालेंगे हम लोग। तो देखेंगे कि क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू दिया रहेगा, जैसे हम लोगों को x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू समथिंग दिया है, हम लोग मान लेते हैं कि 5 दिया हुआ है, x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 5 है, और निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू का मान कितना होगा, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि x के पावर 4 प्लस वन बाई एक्स के पावर 4 का वैल्यू कितना होगा, यानी इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जबकि दिया रहेगा x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 5। तो जब इस पे हम लोग चलेंगे तो इसका ए स्क्वायर माइनस 2, जब x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू ए रहेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो ए स्क्वायर माइनस 2 यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2, और 5 का स्क्वायर माइनस 2 मतलब 25 में से 2 घटेगा तो 23 हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। दूसरे में हम लोग चलेंगे, एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू अगर पूछेगा तो एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर अगर ए है तो एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू इक्वल टू कितना होगा, तो ए क्यू माइनस 3 है, यानी ए के जगह पे हम लोगों का वैल्यू है 5, तो 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए का वैल्यू 5, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 125 माइनस 15 यानी इसको घटाएंगे तो 110 हो जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा। दूसरा, नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग, एक्स के पावर 4 प्लस वन बाई एक्स के पावर 4 अगर निकालना है तब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे कि ए स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, मतलब यह है कि इसका स्क्वायर कर 2 घटाएंगे तो स्क्वायर निकलेगा, और जो आएगा उसका स्क्वायर कर फिर 2 घटा देंगे तो पावर 4 वाला निकल जाएगा, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 2 और फिर इसका स्क्वायर माइनस 2, तो ये 23 का स्क्वायर और माइनस 2, 23 का स्क्वायर कितना होता है तो 529 होता है, 529 में से घटा देंगे 2 तो हो जाएगा आपका 527, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा।
यानी जब भी x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू दिया रहेगा और x स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर पूछे, x क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब पूछे, या x के पावर फोर प्लस वन बाई एक्स के पावर फोर पूछेगा, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें यह है अगला कि अगर x प्लस वन बाई एक्स के जगह पर हम लोगों का x माइनस वन बाई एक्स बराबर ए दिया रहे, x माइनस वन बाई एक्स बराबर ए दिया रहे और क्वेश्चन सेम रहे कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। अब यहाँ पर एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू का वैल्यू पूछता है जनरली, और x के पावर फोर प्लस वन बाई एक्स के पावर फोर का वैल्यू कितना होगा। तो इसमें जब हम लोग देखेंगे कि जब x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू ए दिया है तो ए के जगह पर कोई भी वैल्यू रहेगा, हम लोगों को दो चार पाँच सात जो भी दिया रहेगा, इसमें देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू कहेगा तो ये ए स्क्वायर और ये प्लस टू हो जाएगा, क्योंकि माइनस टू ए बी वाला पार्ट उधर जाकर प्लस टू हो जाता है, और इसमें जब आएंगे तो ये ए क्यू आप प्लस थ्री ए हो जाता है, और इसमें जब चलेंगे हम लोग तो ये ए स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस टू होगा। ये फॉर्मूला है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों का क्वेश्चंस बनेगा। अगर ये फॉर्मूला याद है या ध्यान में है तो तेजी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई भी इसमें से क्वेश्चन पूछेगा तो। अब जब क्वेश्चन की चर्चा की जाएगी तो क्वेश्चन क्या होगा, तो ए के जगह पर कोई नंबर दे देगा, जैसे एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू फोर दे दिया और कहा कि हम लोगों का एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात करें, या एक्स के पावर तीन माइनस वन बाई एक्स के पावर तीन यानी एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू का वैल्यू निकालें, और x के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4 का वैल्यू निकालें। तो इसमें होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2 होगा, इसका फॉर्मूला ए के जगह पर कितना है 4 है तो 4 स्क्वायर प्लस 2 और ये 16 और 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए क्यू प्लस 3 है, ए के जगह पर कितना है 4 है तो 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4, और नेक्स्ट क्वेश्चन पावर 4 वाला है तो ए स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 2, यानी ए स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, या जो इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया है इसी का स्क्वायर कर घटा देते हैं हम लोग तो भी हो जाएगा, यही इसका मान है। जनरली फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट कर हम लोग वही लिखते हैं। तो अब इसमें जब देखेंगे तो ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस 2, 18 का स्क्वायर 324 और माइनस 2 घटाएंगे तो 322, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। यानी जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया रहेगा x माइनस 1 बाई एक्स से रिलेटेड, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर पूछेगा, एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू पूछेगा, एक्स के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4 पूछेगा, तो हम लोग इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें एक कंडीशन और आता है कि अगर पावर 4 से ज़्यादा पूछे तब क्या करना होगा। जैसे मान लेते हैं कि x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू ए दिया रहे और पावर 4 से ज़्यादा पूछे, 4 से ज़्यादा मतलब x के पावर 5 प्लस वन बाई एक्स के पावर 5 पूछेगा तब क्या करना होगा, और x के पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 6 पूछेगा तब क्या करना होगा, इस तरीके से रिलेटेड अगर क्वेश्चन देगा तब क्या करना होगा। तो इसमें देखना यह है कि पावर 5 कर रहा है तो हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इसका फॉर्मूला उसी के अकॉर्डिंग बैठाएंगे कि x के पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 5 इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, जब इसमें मल्टीपल करेंगे और एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस कर देंगे तो ये आपका एक्स के पावर फाइव प्लस वन बाई एक्स के पावर फाइव हो जाएगा, और इसी में वैल्यू फाइंड करके एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू का और एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का पुट कर देंगे तो हम लोगों का एक्स के पावर फाइव प्लस वन बाई एक्स के पावर फाइव निकल जाएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू क्वेश्चन रहेगा कि x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू मान लेते हैं 4 है या 3 ले लेते हैं
जो भी नंबर लेना होगा ले सकते हैं हम लोग। और क्वेश्चन कहेगा कि x के पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 5 का वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहला काम हम लोगों को क्या करना है कि इसमें फॉर्मूला में बैठाने के लिए हम लोगों को एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू का जरूरत है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का जरूरत है। तो जब एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यूब निकालेंगे हम लोग तो ए क्यू माइनस 3 ए होगा, ए क्यू माइनस 3 इंटू 3 यानी 27 माइनस 9 यानी घटेगा तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का भी जरूरत पड़ेगा इसमें, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 और ये ए स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, तो ये घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर मान पुट कर देना है केवल एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू का वैल्यू निकाल कर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर देंगे हम लोग और सॉल्व कर देंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो ये 18 और इंटू 7 और माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू दिया हुआ है वही वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 3, तो ये हो जाएगा 126 माइनस 3 यानी 123 और यही आंसर हो जाएगा। जब x के पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 5 पूछेगा तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जब x के पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 6 पूछेगा तब क्या करना होगा, तो इसको भी ब्रेक करना होगा हम लोगों को। क्या ब्रेक करना है तो इसको ध्यान दीजिए यहाँ पर कि x के पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 6 लाना है अगर हम लोगों को तो इसके लिए क्या करना होगा। तो इसके लिए देखेंगे हम लोग कि एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू का होल स्क्वायर कर दें और माइनस 2 कर देंगे तो हम लोगों का x के पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 6 आ जाएगा। यानी हम लोगों को जब x के पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 6 का वैल्यू फाइंड करना है तो उसके लिए एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू निकालना होगा और उसके बाद इसमें पुट कर देंगे। जैसे x प्लस क्वेश्चन रहेगा 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3 है और हम लोगों को निकालना क्या है कि x के पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 6 इज इक्वल टू व्हाट। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग कि सबसे पहले हम लोगों को वैल्यू चाहिए एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू का, इसका वैल्यू ए क्यू माइनस 3 होगा, ए क्यू मतलब 3 का क्यू माइनस 3 इंटू ए का वैल्यू 3। अब इसमें जब घटाएंगे हम लोग तो ये 18 आएगा, सॉल्व करेंगे तो 18 आ गया और 18 आ गया तो इसमें अब 18 का मान पुट कर देंगे, 18 का स्क्वायर माइनस 2 324 माइनस 2 यानी 322 और यही आंसर हो जाएगा हम लोगों का, एक्स के पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 6 निकल जाएगा। यहाँ पर नंबर पॉजिटिव हो सकता है, नंबर निगेटिव हो सकता है, नंबर रूट में भी दे सकता है, मतलब x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू जो है 3 के जगह पे 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है। और इसमें से आपको जैसे रूट 5 भी हो सकता है, रूट 3 भी हो सकता है, रूट में भी नंबर दे सकता है, माइनस 4 हो सकता है, माइनस 3 हो सकता है, जो भी नंबर रहेगा। हम लोगों को जो फाइंड करने का तरीका है फॉर्मूला बेस्ड होगा, फार्मूला के पैटर्न पे होगा, जो अल्जेब्रिक फार्मूला है उसी को ध्यान में रखना है, उसी के अकॉर्डिंग बनेगा और फॉर्मूला ध्यान में रहेगा तो तेजी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। स्पेशल है इसमें, कुछ स्पेशल कंडीशंस भी पढ़ना है हम लोगों को। और इसमें स्पेशल कंडीशंस के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो देखेंगे पुट एंड हिट वाला भी वैल्यू कहा जाता है इसको कि एक्स का मान पुट करिए और उसको सॉल्व करिए। जनरली होता क्या है कि इसमें जैसे एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू अगर 2 दिया रहे, दो कंडीशन आएगा, एक्स प्लस 1 बाई एक्स बराबर 2 दिया रहेगा तब, और एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 दिया रहेगा तब। दूसरा कंडीशन आएगा कि एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू जब माइनस 2 रहेगा। और दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस की अगर बात करेंगे इसमें वैल्यू पुट करने वाला होता है। यहाँ पर x का वैल्यू हमेशा 1 पुट करेंगे, ये हमेशा 1 पर फॉलो करेगा और यहाँ पर x का वैल्यू माइनस 1 पर फॉलो करेगा। जब भी x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 2 दिया रहे या माइनस 2 दिया रहे इसको ध्यान में रखना है कि इसके लिए कोई फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू पुट करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन इसमें दे सकता है, मान लीजिए पहला क्वेश्चन देगा x के पावर 100 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 100 का वैल्यू पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा x के पावर 90 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 49 इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, तीसरा क्वेश्चन पूछेगा x के पावर 100
माइनस वन बाई एक्स के पावर 30, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो जब क्वेश्चन पूछेगा और दिया रहेगा, पहला कंडीशन को लेकर चल रहे हैं हम लोग कि एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर टू, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर टू दिया रहेगा तो एक्स का वैल्यू क्या फॉलो करेगा, तो वन फॉलो करेगा, यानी एक्स का वैल्यू वन पुट करेंगे इसमें तो वन के पावर हंड्रेड करेंगे तो भी वन ही होगा, आप प्लस में इसका वन बाई वन के पावर हंड्रेड करेंगे तो भी वन ही होगा, यानी इसका वैल्यू टू हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे तो इसका मान वन होगा, वन के पावर 90 करेंगे तो आप प्लस वन के पावर 149 करेंगे तो ये भी वन ही होगा, यानी इसका भी वैल्यू टू हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो ये वन हो जाएगा और ये माइनस वन हो जाएगा, इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोगों को सॉल्व करना है, कुछ भी दिया रहेगा एक्स का मान यहाँ पे वन फॉलो करेगा। दूसरा कंडीशन है हम लोगों को कि एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू, जब माइनस टू दिया रहेगा तो क्वेश्चन कि एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू जब माइनस टू रहेगा तो एक्स इक्वल टू क्या पुट करना होगा हम लोगों को, माइनस वन, और माइनस वन पे ये फॉलो करेगा। तो क्वेश्चन जो रहेगा एक्स के पावर 100 प्लस वन बाई एक्स के पावर 100 रहेगा। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है एक्स के पावर 100 प्लस वन बाई एक्स के पावर 99, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन एक्स के पावर 101 प्लस वन बाई एक्स के पावर 101। चौथा क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, एक्स के पावर 50 माइनस वन बाई एक्स के पावर 49। इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है हम लोगों का, लेकिन हर कंडीशन में हम लोगों को जब एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू माइनस टू दिया है तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू हमेशा माइनस वन पुट करके बनाएंगे। अब इसमें जैसे पहला क्वेश्चन की बात करेंगे तो माइनस वन के पावर 100 करेंगे, आप प्लस वन बाई माइनस वन के पावर 100 करेंगे तो इसका भी वैल्यू वन हो जाएगा, क्योंकि माइनस नंबर पे जब भी आपका पावर इवन नंबर रहेगा तो उसका वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, और वन के पावर कुछ भी रहेगा तो वन ही होगा, और प्लस इसका भी वैल्यू वन बाई वन यानी वन हो जाएगा, वन वन टू हो जाएगा। दूसरे वाले क्वेश्चन में चलेंगे तो इसका वैल्यू माइनस वन के पावर इवन नंबर करेंगे तो वन हो जाएगा, आप प्लस इसका वैल्यू जब करेंगे तो ये माइनस वन, और माइनस वन से डिवाइड करेंगे वन में तो माइनस वन हो जाएगा, यानी ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और वन में से वन घटेगा जीरो हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसका वैल्यू माइनस वन और प्लस इसका भी वैल्यू माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि ये ऑड नंबर है, माइनस वन के पावर ऑड नंबर करेंगे तो माइनस वन आएगा, और ये भी वन बटा में माइनस वन, यानी दोनों माइनस माइनस में हो जाएगा तो आपका वैल्यू ये हो जाएगा माइनस टू। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे हम लोग तो एक्स के पावर 50 है तो माइनस वन के पावर 50 करेंगे तो प्लस वन, और माइनस इसका अगर करेंगे तो ये माइनस वन हो जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस होगा तो वन वन टू हो जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा। मतलब ये है कि जहाँ पर भी x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू माइनस टू दिया रहेगा हम लोग x इक्वल टू माइनस वन पुट करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगला इसमें एक और पॉइंट जानना है कि जब x प्लस वन बाई एक्स बराबर, जैसे जनरली x प्लस वन बाई एक्स और वन बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स से रिलेटेड एक रिलेशन है कि x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर अब प्लस फोर, ये एक रिलेशन है। यहाँ से हम लोग x प्लस वन बाई एक्स बराबर दिया रहेगा तो x माइनस वन बाई एक्स निकालते हैं, और x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू दिया रहेगा तो x प्लस वन बाई एक्स निकालते हैं। तो एक से दूसरा, मतलब कि एक रूप से दूसरा रूप को ट्रांसफ़र करके निकालने वाला, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की ज़रूरत तब पड़ती है जब इसमें क्वेश्चंस का फॉर्म, जैसे इसमें क्वेश्चन की बात करेंगे तो x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू रूट 13 है तो एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू का वैल्यू निकालना है। तो इस कंडीशन में हम लोगों को जो चाहिए वो x माइनस वन बाई एक्स चाहिए, ताकि x माइनस वन बाई एक्स बराबर ए होता है तो एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू इक्वल टू ए क्यू प्लस 3 ए होता है। अब इसमें x माइनस वन बाई एक्स चाहिए और दिया है x प्लस वन बाई एक्स, तो यहाँ से x माइनस वन बाई एक्स निकालने के लिए ये फार्मूला अप्लाइड करेंगे। तो मतलब ये है कि x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर अब प्लस 4। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि ये रूट 13 है, रूट 13 का होल स्क्वायर और माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा आपका x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर। ये 13 होगा, 13 में से 4 घटेगा, 9 होगा, 9 इक्वल टू x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू रूट 9 होगा
और रूट नाइन का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे हम लोग कि जब x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू 3 है तो एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू इक्वल टू क्या होगा, तो ए क्यू और प्लस 3 है तो प्लस 3 इंटू ए का वैल्यू 3, यानी 27 प्लस 9 यानी फिर ये 36 हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। यानी x प्लस वन बाई एक्स दिया रहेगा तो एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू पूछेगा, तब इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, और x माइनस वन बाई एक्स बराबर दिया रहेगा और एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू पूछेगा तब भी इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से रिलेटेड। और आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले आगे के वीडियो में आपको मैं आगे और बताऊँगा इसमें स्टैंडर्ड और क्वेश्चंस और जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं पार्ट 3 में। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।